तो आज का सवाल हमारा ये है कि किसी विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन दिया जाता है, कोई सेलर है उसको कुल बिक्री पर 12% कमीशन दिया जाता है किसके, कोई कंपनी वाला देता होगा, अपने अंडर में कोई विक्रेता रखा होगा यानी कि सेलर को रखा होगा और कुल बिक्री पर उसको 12% कमीशन देता होगा, यही है। तथा 15,000 रुपया से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है, यदि विक्रेता 15,000 से ऊपर का सामान बेच देता है तो उसको 12% कमीशन तो मिलेगा ही, प्लस में 1% कमीशन 1% बोनस भी मिलेगा, यदि 15,000 से रुपया के ऊपर की बिक्री पर उसको 1% बोनस भी दिया जाएगा, 15,000 से नीचे पर क्या दिया जाएगा, केवल 12% कमीशन ही दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, विक्रेता की कुल आय कितनी है, 7,750 रुपया, तो पूछ क्या रहा है, कुल बिक्री ज्ञात करें, कुल बिक्री यानी कि विक्रेता ने कुल कितना रुपये का सामान बेचा, यही हमको निकालना है। तो देखिए कुल बिक्री को हम एक्स मान लेते हैं, कुल बिक्री को एक्स, तो एक्स का 12% तो उसको कमीशन मिल ही गया, प्लस में एक्स माइनस पंद्रह हजार क्यों किए, क्योंकि 15,000 से ऊपर पर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिल रहा है, पूरे पर तो उसको 12% कमीशन मिलेगा ही, लेकिन 15,000 से ऊपर के बिक्री पर 1% बोनस भी मिलेगा, बराबर 7,750, यही होगा। तो दोस्तों इसको हम मैं दो मेथड से बताऊंगा, ये पहला मेथड है, देखिए तो अब क्या हो जाएगा 12x/100 प्लस x/100 माइनस, ये कटाएगा कितना है 150 बराबर 7,750। अब देखिए ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13x/100 बराबर कितना हो गया 7,800। अब देखिए दोस्तों 13 से 1 कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, तो एक्स बराबर कितना आ गया 60,000 रुपया का वो सामान बेचा होगा, तभी उसको 7,750 रुपया की कमाई हुई होगी, किसको, विक्रेता को। इसका दूसरा मेथड भी है, देखिए दूसरा मेथड देखिए दोस्तों, दूसरा मेथड देखिए, देखिए दोस्तों एक तो 15,000 तक में बेचा है, एक 15,000 से बड़ी में बेचा है, 15,000 से बड़ी का मतलब क्या है कि 15,000 से ऊपर दाम का भी सामान बेच दिया है, तो देखिए 15,000 तक तो जो बेचा है उस पर उसको 12% केवल कमीशन ही मिलेगा, लेकिन 15,000 से ऊपर का जितना भी सामान बेच दिया है जितने रुपए का भी, तो उस पर उसको 12% तो कमीशन मिलेगा, प्लस में 1% बोनस भी मिल जाएगा, यानी कि उसको उस पर कितना परसेंट मिल जाएगा, 13% हो जाएगा ना दोस्तों। तो वैसे ही देखिए, तो अगर हम क्या करें, अगर हम उसको पूरे बिक्रिय पर 13% कमीशन मान के चलें, पूरे बिक्री पर 13% कमीशन मान के चलें, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर हम पूरे उसके बिक्री पर 13% कमीशन मान के चलें, तो 100 रुपया अगर कुल बिक्री हो, कुल बिक्री पर 13% कमीशन मान कर चलें, तो अब देखिए क्या होगा, तो कुल बिक्री पर 13% कमीशन मान दिए, तो 15,000 तक में तो 12% था, यानी कि 1% हम अधिक मान दिए, 15,000 तक में 1% हम अधिक मान दिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटा दिए दोस्तों, पूरे बिक्री पर 13% कमीशन मान दिए, फिर 15,000 तक में 12% था, तो 1% अधिक हम मान लिए, तो 1% और घटा दिए, तो उसको कितना हो गया फायदा, किसको, विक्रेता को कितने की कमाई हो गई, 7,750 रुपये की। अब बस इसको हल कर देना है तभी मेरा आंसर आ जाएगा, देखिए 13x/100 माइनस ये कितना हो जाएगा 150 बराबर ये कितना हो जाएगा 7,750। अब देखिए 13x
बटा में 100 बराबर कितना हो गया 7800। 600 बार में ये कट गया, ठीक है। तो अब x बराबर कितना हो गया 60,000 आंसर। यानी कि दो मेथड से इसको बना सकते हैं दोस्तों, कि ये मेथड है और एक वो पहले वाला मेथड है, दोनों तरफ से आंसर एक ही आएगा 60,000। ठीक है, धन्यवाद।